नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, सस्ता घर आज फिर से आपके लिए नई प्रॉपर्टी लेकर आया। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा छतरपुर इंक्लेव फेज 2 के बी ब्लॉक के अंदर दिखाऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो में पूछते हैं कि छतरपुर इंक्लेव बेसिकली पड़ता कहाँ पर है, आज मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, इस रोड को MG रोड बोलते हैं, जो आपका मेहरौली से जो एम्स की तरफ से भी आ रहा है और भदरपुर की तरफ से भी आता है, तो इसी रोड को कनेक्ट करता है जो आगे जाके आपके गुड़गांव की तरफ जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही आप मेहरौली से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुतुब मीनार मेट्रो के जस्ट आगे ये 100 फुटा रोड जा रहा है जो सीधा आपका छतरपुर मंदिर में चला जाता है और सीधा राधा स्वामी सत्संग की तरफ चला जाता है, गुरुजी मंदिर की तरफ भी चला जाता है। इसी मेन रोड पर छतरपुर इंक्लेव अवेलेबल है, तो यहाँ से सिर्फ होगा 700-800 मीटर की दूरी पर हार्डली। दोस्तों, उसी के अंदर मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा। छतरपुर इंक्लेव एक ऐसी कॉलोनी है जो बिल्कुल वेल कनेक्टेड है आपका 100 फुटा रोड से, छतरपुर मंदिर से, मेट्रो से छतरपुर और कुतुब मीनार से, और आने वाले गोल्डन लाइन के जो दो मेट्रो स्टेशन आने वाले उससे भी बहुत ही नियर बाई है। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, वहीं जाके बताऊंगा किस तरह की प्रॉपर्टी है और किस तरह के फिटिंग और फिक्सर के साथ आपको मिल रही है। और दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के USP है, जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटा सा कंपाउंड डेवलप हो रहा है तो कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, जिसमें फैमिली आपके काफ़ी सिक्योर और काफ़ी सेफ रहने वाली है, क्योंकि आपकी डिमांड भी है, तो कोई हम कंपाउंड के अंदर या सोसाइटी के अंदर में फ्लैट दिखाइए। चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, वहीं जाकर देखें किस तरह का फ्लैट है और किस तरह कंपाउंड वो डेवलप होगा। दोस्तों, अपने उस कंपाउंड के अंदर हम आ चुके हैं। आज जो कंपाउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कंपाउंड के अंदर 3 से 4 बिल्डिंग ही बनेगी, और एक बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, एक बिल्डिंग बन रही है और इसके अंदर एक बिल्डिंग और बनेगी, तो मैक्सिमम 3 या 4 बिल्डिंग इस कंपाउंड के अंदर बनेगी, तो आपकी फैमिली काफ़ी सिक्योर काफ़ी सेफ रहने वाली है इस कंपाउंड के अंदर। और दोस्तों, जितनी ही देख सकते हैं बिल्डिंग कम है तो लोग इसमें कम रहेंगे, तो इस कंपाउंड को आप इजीली मेंटेन भी कर पाएंगे। अब चलते हैं अपनी पार्किंग की तरफ, पहले बिल्डिंग का एलिवेशन मैं आपको दिखाऊंगा, फिर पार्किंग दिखाऊंगा। और इस कंपाउंड के अंदर आपको 18 फीट के रोड मिलने वाले हैं। रोड अभी रेडी नहीं हुए, रोड आपको इंटरलॉकिंग टाइल लगा के देंगे, तो रोड भी काफ़ी साफ सुथरे अच्छे आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको जो है सीवर लाइन भी डाल के देंगे। दोस्तों, देख सकते हैं बिल्डिंग का एलिवेशन काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, इसमें स्टॉन्सली स्ट्रक्चर आपको करके दे रहे हैं, ग्रोविंग करके दे रहे हैं, MS की रैलिंग आपको मिल गया, और जितना भी आउटर फ्रेम है वो देख सकते हैं UPVC फ्रेम के अंदर मिल रहा है, और इसमें आपको देख सकते हैं आपको वो भी काम करके दे रहे हैं, PVC लूपर्स का भी काम करके दे रहे हैं एलिवेशन के ऊपर। और इसमें पार्किंग की प्रॉब्लम फेस करनी आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर आपको अलग अलग पार्किंग बना के दे रहे हैं, तो पार्किंग भी काफ़ी सफिशियंट मिलने वाली है इस कंपाउंड के अंदर भी और इस आपकी बिल्डिंग के अंदर। अब चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। दोस्तों, आज जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसकी बिल्डिंग के साइज़ की बात करूँ तो 250 गज की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट है। दोस्तों, 125 गज का फ्लैट का साइज आपको मिलने वाला है, फ्रंट काफ़ी अच्छा है फ्लैट का, तो काफ़ी अच्छा फ्लैट का साइज भी अच्छा निकल कर आया, बेडरूम के साइज, ड्राइंग रूम के साइज सारे काफ़ी अच्छे साइज निकल कर आए और काफ़ी अच्छा वर्क भी आपको करके दे रहे हैं। और पार्किंग आप देख सकते हो इस बिल्डिंग के अंदर, बात करें 10 फ्लैट है पर 10 से ज़्यादा कार पार्किंग आपको मिल रही है, पूरी खुली पार्किंग आपको मिल रही है, देख सकते हैं पीछे तक आप कार ही पार्क कर पाएंगे। अप्रॉक्स में बात करूँ तो 16 कार पार्क हो जाएंगी अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो पार्किंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नीचे ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको मिल रही है, अंडरग्राउंड टैंक आपको मिल रहा है पानी का, तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज भी मिल रही है पानी की आपको, और ओवरहेड आपको 1000 लीटर का टैंक मिल रहा है, तो पानी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। पार्किंग के अंदर भी काफ़ी अच्छा वर्क करके दे रहे हैं, फॉल सीलिंग वर्क करके दे रहे हैं, जिससे कि आपकी पार्किंग और अच्छी दिखाई दे। वॉल के ऊपर निशेस बना के दे रहे हैं, निश में भी लाइट लगाएंगे और अच्छी आपकी जो वॉल है पार्किंग की काफ़ी अच्छी इन्हेंस करेगी। दोस्तों, लिफ्ट का काम भी अभी चल रहा है, 10 से 15 दिन के अंदर लिफ्ट भी आपको वर्किंग मिलने वाली है। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों, स्टेयर्स आप देख सकते हैं 4 फीट इसकी चौड़ाई दी हुई है, काफ़ी बड़े स्टेयर्स आपको मिल रही है, स्टेप 10 इंची का मिल रहा है, 6 इंची का राइजर मिल रहा है, ग्रेनाइट की फ्लोरिंग के साथ आप इसमें फ्लोरिंग लगा के दे रहे हैं। दोस्तों, अपने फ्लैट के बाहर हम आ चुके हैं, फ्लैट का लॉबी स्पेस भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, 5 फीट बाई अप्रॉक्स 15 फीट का लॉबी स्पेस, यहाँ पे शाम बाहर भी आपको एक वॉल मिल जाती है जहाँ पे आप सूर्य का आपको स्पेस मिल जाता है, सूर्य लगाने के लिए इन्वर्टर का स्पेस आपको मिल जाता है, तो इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आज जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ 125 गज का 3 BHK फ्लैट दिखा रहा हूँ, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट है। चलते हैं फ्लैट के अंदर, फ्लैट में भी थोड़ा सा फिनिशिंग पेंडिंग है, लास्ट कोट पेंडिंग है, बट फ्लैट का साइज काफ़ी अच्छा है, तो मैं बताऊंगा किस तरह का आपको काम इसमें मिलने वाला है, किस तरह काम हो चुका है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। चलते हैं फ्लैट के अंदर। दोस्तों, बात करते हैं डोर की, काफ़ी अच्छा फ्लश डोर आपको मिल रहा हैवी फ्लश डोर मिला, दोनों तरफ वीनियर लगा के दे रहे हैं और इसमें जब ग्रूविंग करके दे रहे हैं, प्लैंक्स बना के दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फ्लश डोर आपको मिल रहा है, इसमें मेलामाइन पॉलिश आपको फिनिश करके देंगे। इसमें देख सकते हैं डोर सेट का आपको लॉक मिल रहा है। दोस्तों, एंटर करती आपको 20 फीट बाई 13 फीट का लिविंग डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, जो अपने आप काफ़ी अच्छा साइड है। अगर मैं इसके फ्लोरिंग की बात करूँ तो फ्लोरिंग 32 इंची बाई 64 इंची की आपको लगा के दे रही है,
फ्लोटिंग बड़े लगाने से फ़ायदा होता है कि जॉइंट्स कम दिखाई देते हैं और फ्लोटिंग आपकी अच्छी लगती है। ऊपर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फॉल सीलिंग वर्क आपको कर रहे हैं, विदाउट को आपको फॉल सीलिंग दे रहे हैं। इसमें कंसील लाइट और देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट का वर्क करके दे रहे हैं। व्हाइट कलर की आपको सीलिंग मिलने वाली है, वॉल पर भी व्हाइट कलर का पेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों आप किचन देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी किचन आपको मिलती है। किचन में चाहते हैं तो इस किचन को और अच्छा बना सकते हैं। आप चाहते हैं तो इस ओपनिंग को थोड़ा छोटा करने के बाद आप इसमें वुड वर्क में कुछ काम करा सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन गूगल पे, तो इस एरिया को और अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। इससे किचन भी आपकी अच्छी दिखाई देगी और आपको स्टोरेज भी मिल जाएगी। आप चाहते हैं शोकेस टाइप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ वॉल को भी अच्छा एनहेंस कर सकते हैं किचन की एंट्रेंस को। दोस्तों एल शेप में किचन आपको मिल जाती है, किचन का साइज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जिसमें देख सकते हैं ग्रेनाइट का टॉप आपको मिल रहा है, डबल बाउंसिंग का आपको मिल रही है, ओवरहेड वाइट ओवरहेड स्टोरेज काफ़ी बड़ी आपको मिल रही है, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम फेस करनी आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये चिमनी का स्पेस आपको मिल रहा है, नीचे बास्केट बात करूँ तो सारी वायर बास्केट आपको मिल रही है एसएस की, तो काफ़ी बड़ी स्टोरेज आपको मिल रही है। जितनी बास्केट आपको मिल रही है, थाली बास्केट, ट्रॉफी बास्केट, बोटल ब्लॉक, सारी जिस तरह की बास्केट आपको मिलनी चाहिए सारी इस किचन के अंदर। दोस्तों बात करते हैं इसके लेआउट के। इसमें दो बेडरूम आपको फ्रंट साइड में मिल रहे हैं जो बालकनी से कनेक्टेड है, कंपाउंड की तरफ आपके इसका गेट ओपन होते हैं। एक बेडरूम आपको बैक साइड में मिल रहा है, तो सबसे पहले बैक साइड वाला बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 10.5x13 फीट का इसका बेडरूम का साइज़ दिया हुआ है, जो अपने आप काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसमें देख सकते हैं जितने सॉकेट है, रिमार्क के, साइड टेबल के। वार्डरोब के साइज़ की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स आपको 5x7 फीट की मिल रही है। इसमें हाई ग्लोस लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, अंदर हैंगर रोड आपको सारी चीज़ें मिल रही है जो मिलनी चाहिए। दोस्तों आप चाहते हैं तो इस वॉल को इन्हेंस कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो रूवर्स का यूज़ कर सकते हैं, मोल्डिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हैं ग्रूविंग करा सकते हैं ब्लॉकिंग अंदर, तो इस वॉल को अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क मिल रही है आपको, बीच में इन्होंने कोप के साथ आपको फॉल सीलिंग दी हुई है, डाउन सीलिंग जो काफ़ी अच्छी लग रही है, अब कोप में भी लाइट लगा के देंगे। दोस्तों अब इसके समय दिखाता हूँ आपको जो वॉशिंग एरिया जो मिल रहा है। दोस्तों इस फ्लैट का ही वॉशिंग एरिया है, क्योंकि हमें एक वॉशिंग एरिया हमें नहीं मिल पाता कि इस फ्लैट के अंदर, तो डेडिकेटेड आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है। इसमें ऐसे MS की रेलिंग आपको मिल रही है और ओपन टू स्काई दिया हुआ है, देख सकते हैं ऊपर भी ओपन है, तो क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छा रहे। तो यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी एरिया मिल रहा है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग एरिया में नहीं मिल पाता। दोस्तों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है, उसका मैं साइज़ बता देता हूँ किस तरह का साइज़ आपको मिल रहा है। ये भी अप्रॉक्स बात करें तो 5x8 फीट का साइज़ आपको मिल रहा है। इसमें देख सकते हैं आपको सिस्टम मिल रहा है, वॉल हैंग शीट आपको मिल रही है, डायमीटर स्पाउट आपको मिल रहा है, इधर वैनिटी मिलने वाली है और वॉश मशीन आपको मिलने वाला है। जितनी फिटिंग आपको मिल रही है वो सेरा हेडवेयर की मिलने वाली है इस टॉयलेट के अंदर। दोस्तों अब चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। कॉमन वॉशरूम भी काफी अच्छा दिया हुआ है, स्क्वायर फुट में आपको मिल रहा है, मैं बात करूं अप्रॉक्स 6.5x7 फीट का वॉशरूम आपको मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीथिंग एरिया आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको सिस्टर्न और वॉल हैंग शीट मिलने वाली है, वॉल के ऊपर अच्छी मोटाचर और टाइल लगाई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, इधर आपको वैनिटी मिलने वाली है और बेसिन मिलने वाला है। ऊपर देख सकते हैं सीलिंग वर्क करते दे रहे हैं और कंसील लाइट आपको लगा के दे रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट दिया हुआ है और शार्ट भी आपकी इसके पीछे दी हुई है, तो इसमें भी क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा रहे, सफोकेशन की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन और ओपनेबल आपको विंडो मिलने वाली है। दोस्तों जितनी भी आपकी टॉयलेट की एंट्रेंस है वो 30 इंची की आपको मिलने वाली है। इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा विंडो वर्क करके दे रहे हैं आपको, डोर भी काफ़ी अच्छा इनहेंस करके दे रहे हैं। डोर फ्रेम की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स आपको 2.5x5.5 इंची का मिल रहा है, जिसमें मोल्डिंग वर्क करके दे रहे हैं आपको, जिससे एजेस के दिखाई ना दें और जॉइंट्स भी कम दिखाई दें, क्योंकि देखा होगा चौखट और वॉल के बीच में गैप आ जाता है, तो ये जो मोल्डिंग होती है ये उसको ढकने का काम करती है और चौखट को काफ़ी अच्छा इनहेंस कर देती है। दोस्तों अब आगे उसके सेकेंड बेडरूम की तरफ, अगर इसमें साइज़ की बात करूँ तो ये भी अप्रॉक्स 10x13 फीट का दिया हुआ है, जिसमें वार्डरोब आपको 5x7 फीट की मिल रही है, वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग। इसमें स्प्लिट एसी का कंड्यूट आपको मिल रहा है, बेड के पीछे वाली वॉल है। अभी फ्लैट आपको गंदा दिख रहा होगा, मैंने बताया इसमें लास्ट कोट अभी पेंडिंग है, इसमें टचअप अभी पेंडिंग है, तो फ्लैट काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा, क्योंकि फ्लैट का साइज काफ़ी अच्छा है। जितने भी सॉकेट आपको मिल रहे हैं LNT के मिल रहे हैं, सामने TV की वॉल आपको मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा बेडरूम का साइज आपको मिल रहा है। और दोस्तों वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग आपको मिल रही है। ये जो बेडरूम है ये फ्रंट की बालकनी से कनेक्टेड है, इसमें देख सकते हैं स्लाइडर डोर आपको मिल रहा है UPVC फ्रेम के अंदर। चाहते हैं तो इसमें मॉस्किटो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो एयर के साथ सॉल्यूशन लाइट के साथ साथ प्रॉपर एयर आपको मिलेगी। और ये मैंने बताया UPVC के बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, एक तो ये ख़राब नहीं होती है, इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है वुड के अकॉर्डिंग, तो इसके मेंटेनेंस पार्ट जो आपका बिल्कुल कम हो जाता है। अगर बालकनी की साइज़ की बात करूँ तो ये भी अप्रॉक्स 4.5x12 फीट की बालकनी मिल रही है, जो दोनों बेडरूम से कनेक्टेड है। ऊपर काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं
पीवीसी में लूअर्स का यूज़ किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें अभी आपको सरफेस लाइट लगा के देंगे, एमएस की रैलिंग आपको मिल रही है, और जितना भी कॉमन एरिया है इसमें भी देख सकते हैं स्टोन फ्री स्ट्रक्चर करके देंगे। दोस्तों अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। दोस्तों इस बेडरूम के साइज की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स 10 फीट बाई 10 फीट दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज थोड़ा छोटा है, अगर हम बात करूँ दोनों बेडरूम काफी बड़े आपको मिलते हैं। इसमें फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें आपको देख सकते हैं 32 इंची बाई 64 इंची की फ्लोरिंग मिल रही है। पूरे फ्लोर के अंदर एक ही फ्लोरिंग लगा के देने से फ्लैट आपका बड़ा दिखाई दे। ये बेड के पीछे वाली वॉल है, काफी अच्छा फॉल सीलिंग वर्क आपको करके देने, डाउन सीलिंग और वर्टिकल कोप के साथ साइड्स में आपको देख सकते हैं फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। इसमें कंसील लाइट और कोप में भी आपको लाइट लगा के देंगे। दोस्तों फैंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। इसमें भी वार्डरोब की बात करें तो 5 फीट बाई 7 फीट की मिलने वाली है। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है। इसमें 3 वॉशरूम आपको मिल रहे हैं, 2 अटैच 1 कॉमन। दोस्तों अगर मैं साइज की बात करूँ तो ये भी अप्रोक्स 5 फीट बाई 6.5 फीट का टॉयलेट का साइज आपको मिल रहा है। इसमें वॉलिंग शीट, इधर वॉश बेसिन, यहाँ बेथिंग एरिया आपको मिल रहा है। टाइल भी काफ़ी अच्छी लगाई है, टाइल बहुत अच्छी लग रही है। इसमें वॉशरूम और कंफी लाइट आपको लगा कर। दोस्तों पूरा फ्लैट तो आपने देख लिया होगा, ये फ्लैट आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और प्रॉपर्टी देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sastagarh.in। इस साइट पर जाकर अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी देख पाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लैंड टाइटल के बारे में और प्राइस के बारे में। दोस्तों अगर मैं लैंड टाइटल की बात करूँ, अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई जीपीए की प्रॉपर्टी है, इसमें आपको फाइनेंस आपको नहीं हो पाएगा, बट ये कॉलोनी है ये ऑथराइज होने की लिस्ट में है, तो कॉलोनी कभी भी ऑथराइज हो जाएगी। तो यहाँ का फ्यूचर एप्रिसिएशन काफ़ी हाई है, क्योंकि ये जो कॉलोनी है चतुर्वे इंक्लेव, ये वेल कनेक्टेड है आपका 100 फुटा रोड से और मैदानगढ़ी रोड से। और यहाँ पे जो स्टेशन आपको मिलने वाले हैं फॉर द टाइमिंग, आपको येलो लाइन का मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है छतरपुर और कुतुब मीनार, और आने वाले टाइम में गोल्डन लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी नियर बाई यहाँ से आने वाले हैं, एक छतरपुर मंदिर पर और ये आपका इग्नो यूनिवर्सिटी पर, वो भी यहाँ से काफ़ी पास में ही है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों देर ना करें, आप से जो लोग लोन लेना नहीं चाहते, फाइनेंस कराना नहीं चाहते और फ्यूचर एप्रिसिएशन हाई चाहते हैं तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, क्योंकि नियर बाई बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट हैं, तो यहाँ पर सोसाइटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 75 लाख इसका आस्किंग प्राइस है। तो देर ना करें, अपने वीडियो सस्ता करके साथ आज ही प्लान करें। हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब खुशियाँ नहीं बताएंगे।